लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये अभी अभी आया है।
Why don't you go and cover this? Not again. जब भी फसाद होता है मुझे ही क्यों भेजा जाता है? देख लेना, वही दो गुंडा ग्रुप में झड़प होगी और क्या? Waste of time. Be a good girl. पता करो इसमें इलेक्शन का एंगल है या नहीं. It's not fair. Come on, sweetheart. Haven't I promised you a trip to Sun City? To cover the Miss World contest? Don't crib. इसका फोटो. अच्छा हुआ आप आ गई. देखिए देखिए क्या हाल कर दिया हम. खुद ही देखिए ना. Excuse me, मैडम, आप कौन से पेपर से? New Delhi Tribune. कौन मरा? मेरी नहीं भाई, मेरी नहीं, रहने दे तू. वो इसी मोहल्ले की एक बुढ़ी औरत थी. यहाँ के लोग अड़ गए कि उसका जनाजा पुराने शहर से निकाल करके लेके जाएंगे. हमने इसकी परमिशन नहीं दी तो शोर मचाने लग गए, इसलिए थोड़ा टेंशन है. आप कुछ डिटेल में बता सकते हैं वो कैसे मरी? डिटेल? अब जानबूझकर तो उसे किसी ने मारा नहीं, ये तो एक एक्सीडेंट था. यहाँ गली में लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, उसने अपनी खिड़की से निकल करके देखा तो एक पत्थर उसे आके लगा और वो वहीं ढेर हो गई. अब वो आप पूछेंगे कि वो पत्थर कहाँ से आया, किसने मारा, ये सारी बात तो इंक्वायरी के बाद ही पता चल सकती है. मशहूर हस्ती थी, इतनी सारी गाड़ियाँ. मशहूर? हाँ, सिंगर थी, नाचने गाने वाली. और ये जो गाड़ियां देख रही हैं वो सब नेता लोगों की हैं, जो इलेक्शन के वक्त अपना उल्लू सीधा करने के लिए जमा होते हैं. अरे जरा देख रहे, वहां क्या हो रहा है, देख जरा. शुक्रिया. हाँ जी हाँ. सुनिए मैं बताता हूं, उन सांप्रदायिक ताकतों ने जो इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुली हैं, उन्होंने वो पत्थर मारा था जिसकी वजह से शहर की अजीम हस्ती सरदारी बेगम अब हमारे बीच नहीं रही. हमारी पार्टी वायदा करती है कि जिसने भी उनका कत्ल किया है उसे जरूर उसके जुर्म की सजा मिलेगी. शुक्रिया. देखते हैं. सुनिए देवी जी, सरदारी बेगम भारतीय सभ्यता की एक सच्ची प्रतीक थी. वो सभ्यता जिसे ढोंगी सेक्युलरिस्ट और घोर कट्टरपंथी नकारना चाहते हैं, परंतु उनकी आवाज हमेशा जीवित रहेगी, हमेशा जीवित रहेगी. बस आपसे हमें यही कहना था. शुक्रिया. चलें? चलो. देखा आपने मोहतरमा सरदारी बेगम, अल्लाह इनकी रूह को मगफरत दे, आमीन, एक नहायत खुदा परस्त और नेक खातून थी. इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा उन्हें जानता था, मगर वो लोग जो हमारे कौम की भलाई नहीं चाहते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने जानबूझकर सरदारी बेगम को अपना निशाना बनाया ताकि इससे चारों तरफ दहशत का माहौल बन सके. अगर सरदारी बेगम जैसी हस्ती का कत्ल हो सकता है तो मोहतरमा हम में से कौन महफूज है यहां? अब तो अल्लाह ही निगेबान है. आप अंदर जा रहे थे, आई माफ कीजिए, आई 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 आई. वो देखिए, मौलवी साहब अब कहां तक इंतजार करेंगे? असर की नमाज का वक्त भी निकला जा रहा है, आना होता तो अब तक आ चुके होते. आगरे से गाड़ियां हमेशा देर से आती हैं, आखिर भाई है, एक आध घंटा इंतजार कर लेते हैं. लीजिए वो तशरीफ ले आए. बाबूजान, वो हमको छोड़कर चली गई. Oh,
मौलवी साहब, आप तो जब्बार मियां भी आ गए हैं। जी, ताबूत उठाकर इस पर रख दीजिए। बिस्मिल्लाह। ये हिस्सा पीछे कर दीजिए। जरा संभाल कर। अल्लाह इल्लाहा इल्लाह मुहम्मद रसूल। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे शहादत के साथ कंधा देते चलो, आगे बढ़िए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أبا تهذيب अरे वो तुम्हारी मकान मालकिन ने मुझे शायद जीने पर खड़ा देखकर पहचान लिया और अपनी चाबी से दरवाजा खोल दिया। अब फूफी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा उनसे कोई भी वास्ता रहे। तुम्हारी अम्मा भी यही चाहती थी। लेकिन क्यों? वो हमारा घर छोड़कर भाग गई थी, अपने खानदान का मुंह काला करने। भाग गई थी अपने आशिक के साथ? नहीं तहजीब, मामला जरा पेचीदा था। अब उस वक्त मैं तो वही करता था जो आपा कहती थी। सही गलत का फैसला कर सकूं इतनी समझ कहां थी। लेकिन वो रात जब वो घर छोड़कर गई थी मुझे अच्छी तरह याद है। रुको, ये तुम्हारे घर आने का वक्त है? कहां गई थी चुड़ैल? सच सच बताओ वरना तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। एक दिन खाला महफिल में ले गई थी अपने साथ। बेशरम बेहया, मैंने क्या तुझे इसलिए गाना सीखने की इजाजत दी थी कि तू एक भाई जी बन जा? और तू धूम बनकर साथ में क्यों गया था? तूने रोका क्यों नहीं आपा को? हरामखोर, मान मार कर तेरी गद बना दूंगा। जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हो, कोई बात समझ में नहीं आती तुम लोगों के। अबा तुम मुझे जबरदस्ती साथ ले गई थी, मैंने बहुत मना किया मगर नहीं मानी। पूछ लो आपा से। क्यों, तूने जिद की इसलिए मैंने तुझे गाना सीखने दन के यहां भेजा? और तूने वादा किया था कि तू महफिलों में मिरासनों की तरह नहीं गाएगी, किया था कि नहीं? आइंदा मैं तेरी किसी भी बात पे भरोसा करने वाला नहीं। हरामखोर, मेरा सन बनेगी। खबरदार जो आइंदा घर के बाहर कदम भी रखा तूने। गाना बजाना सब बंद, कॉलेज जाना भी बंद। पिछले साल तेरी चाची जब रिश्ता लेकर आई थी तभी तेरे हाथ पीले कर देता तो अच्छा होता। अब यहां बुद्ध जैसी खड़ी क्यों है? दबा हो जा। और सुन तू, आइंदा अगर तूने उसकी मदद की तो तेरी खाल उधर दूंगा। लुच्चा गैया, चल यहां से। Ah
जब्बार, जब्बार, जब्बार भैया, जब्बार, मुझे पता है तुम वहां हो। जब्बार भैया, मेरी मदद करो। जब्बार भैया, जब्बार, जब्बार भैया, दरवाजा खोल दो। जब्बार, 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 जब्बार भैया, जब्बार भैया, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अब्बा मारेंगे तुम्हें भी और मुझे भी। जब्बार भैया, दरवाजा खोल दो एक बार। नहीं आपा, मत खोलो, मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी और सब कुछ तुम्हारे साथ आएगा और मेरी रूह भूत बनकर जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेगी। हम कहाँ जा रहे हैं आपा? चलो आना। इतन खाला, इतन खाला, इतन खाला, मुझे अपने पास रख लो। अब्बा मेरा गाना बंद करा रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, मैं सचमुच मर जाऊंगी। मैं आपके घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, मैं सब करूंगी। इतन खाला, मुझे अपने पास रख लो। बेटी, मैं कहाँ मना करती, पर मैं मजबूर हूँ। जाओ बेटा। नहीं इतन खाला। जाओ, घर जाओ और जैसा तुम्हारे अब्बा कहते हैं वैसा ही करो। नहीं। समझी? जाओ। नहीं, नहीं इतन खाला। जा, जा बेटा, जा। मुझे अपने पास रख लो इतन खाला, मुझे अपने पास रख लो। चलो आपा। उधर कहाँ जा रही हो आपा? हमारा घर तो इधर है। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे साथ शामली चलेगा। शामली? पर वहां क्यों? तू सवाल करता रहेगा या चलेगा भी मेरे साथ? नहीं आपा, चलो घर चलते हैं। तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं आपा, आपा। बाद में पता लगा कि वो हेमराज नाम के एक जमींदार की रखेल बन के रहने लगी। अब ऐसी औरत को मैं खुलेआम अपनी बहन कहता फिरूं? उसमें और एक मामूली तवायफ में फर्क ही क्या था? अबा लेकिन मैंने तो सुना था कि इस सदी के बेहतरीन ठुमरी गाने वालों में उनका शुमार था। रहा होगा मुझे क्या, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उन्हें अपने खानदान की इज्जत और नाम का जरा भी ख्याल नहीं था। खुदा मुझे माफ करेगा, मरे हुए की बुराई करना गुनाह है, लेकिन अब्बा आपकी एक ही तो बहन थी, आपको उनसे प्यार नहीं था? था, क्यों नहीं था, बिल्कुल था। बल्कि मैं तो खुद बरसों बाद जब उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी तो रुपए लेकर उनके पास उनकी मदद करने गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, रुपए उठाकर मेरे मुंह पर दे मारे। किस बूते पर वो इतना इतराती थी खुदा ही बेहतर जानता है। डॉक्टर ने मना किया है। अरे ये डॉक्टर क्या जाने, शक्कर नहीं, नमक नहीं, मैं क्या गाजर मूली पर बसर करूं? मैं घोड़ा नहीं हूं। आप परहेज करने से आप ही का फायदा होगा। अच्छा, तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? तुम सबसे लंबी उम्र होगी मेरी, देख लेना। भैया तहजीब को फिर नहीं लाए, कौन सी क्लास में है?
बस कॉलेज का एक साल और बाकी रह गया है। माशाल्लाह। आप काश आपने सकीना को कॉन्वेंट में न सही, कम से कम किसी ढंग के स्कूल में ही भेज दिया होता। क्यों, इसे तो गाना है, पढ़ाई में क्या रखा है? अब गाना क्या इतना जरूरी है? मौसीकी एक फन है मिया, खुदा ने अच्छा गला दिया है तो उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। अब तुम ये कहोगे शरीफ घर की लड़कियां गाती नहीं। अब आपसे कौन बहस करे। खैर मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, ये रख लीजिए। ये क्या है? आपके लिए है, आपको पैसों की जरूरत होगी यही सोच के ले आया। किसने कहा? हजारों में नहीं कमा रही तो भीख मांगने की भी नौबत नहीं आई अभी तक। ओफो आपा, ये पैसे आपके ही हैं। आपको याद है ना, आपने एक बार तहजीब की पढ़ाई के लिए मुझे 20,000 रुपए दिए थे। वो तो तोहफा था मेरी तरफ से। जी नहीं, कर्ज था, मुझे अच्छी तरह से याद है आपा, कर्ज था। क्या कर्ज कर्ज की रट लगाए हुए हो? भाई बहन में कैसा लेन देन, जो कुछ मेरा है वो क्या तुम्हारा नहीं है? आपा ये पैसा आपका है बस। हराम की कमाई है इसलिए लौटा रहे हो? मैंने ऐसा कहा क्या? कहा नहीं, लेकिन मतलब तो यही था ना, मैंने गाना गाकर पैसा कमाया है, बदन बेचकर नहीं। रख लो इन्हें, नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात। आपा मैं आपके दिए हुए पैसे आपको लौटा रहा हूँ तो इसमें तैश में आने की कौन सी बात है? रख लो नहीं तो कूड़े में फेंक दो, मुझे नहीं है इनकी दरकार, सुन लिया? ओफो क्यों फिजूल में अपना बीपी चढ़ा रही हैं आप? चाचा ले जाइए रुपयों को और फूंक डालिए एक एक मनहूस नोट। मैं जा रहा हूँ आपा, मुझे आपकी बकवास और नहीं सुननी। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, और फिर कभी आने की जरूरत भी नहीं, सुन लिया? नहीं आऊंगा, अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। पैसों का क्या हुआ, फूफी ने सचमुच चला डाली? वो कहां जलाने वाली थी, मेरे जाने के बाद अलमारी में बंद कर दिए होंगे। हाँ वो ऐसी थी, मिनट मिनट में अपनी बात बदलती थी, वो क्या चाहती थी उन्हें खुद नहीं मालूम था। काफी रंगीन हस्ती थी, काश मैं उनसे मिल पाती। देखो तहजीब, मेरी किस्मत में जो भी लिखा है मैं उससे खुश हूं, लेकिन आपा उन्हें आसमान के सितारे चाहिए थे और मिला क्या, खाक। कुछ तो मिला, नाम शोहरत। मरी तो गुमनाम, उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताई। हाँ ठीक है, लेकिन समाज में अपनी लाज रखना भी मानी रखता है, खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है। मुझे लगता है वो एक आजाद ख्याल की औरत थी, और हमारे समाज में ऐसी औरतों की कोई इज्जत नहीं। और मुझे लगता है आपा के कोई उसूल नहीं थे, उन्हें रिवायतों की कोई कदर नहीं थी, जिन उसूलों और रिवायतों के मुताबिक मैंने तुम्हें पाला है। औरतों को फरमाबरदार बेटी, एक आदर्श बीवी और कुर्बान हो जाने वाली मां बनना चाहिए, है ना? हेलो तेजी। अबा ये मिस्टर डिक्रूज हैं, हमारे अखबार के एडिटर, मेरे फादर। तहजीब तुम्हारा जिक्र कर चुकी है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बाद में तहजीब पता चला वो औरत कैसे मरी? पत्थर हिंदू था या मुसलमान या फिर एक पूरी तरह सेकुलर पत्थर? वो हमारी रिश्तेदार थी, अबा की बहन। ओह आई एम सॉरी, आई रियली डिडंट नो दैट। वेल I don't want to intrude. तहजीब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे ऑफिस में। गुड बाय मिस्टर अब्बासी। आपसे फिर जरूर मुलाकात होगी। तो यह है वो शख्स जिसकी वजह से तुम समाज की तमाम रिवायतों को ठुकरा देना चाहती हो। क्यों, आपको अच्छे नहीं लगे? अच्छे या बुरे लगने का सवाल ही कहां उठता है। मुझे देखते ही तो हजरत भाग खड़े हुए। तुम्हें लगता है तहजीब कि ये आदमी तुम्हारी वजह से अपने बीवी बच्चों को छोड़ देगा? हाँ मुझसे शादी करने वाले हैं। शादी? बयक वक्त तुम्हें और अपनी बीवी दोनों को निभा ले तो कौन गधा इंतखाब के फेर में पड़ेगा?
आदमी है कि पजामा। अब आप तो उन्हें बिना जाने उनके खिलाफ हो गए। देखो तहजीब, ये आदमी मुझसे उम्र में बस 5 साल छोटा होगा। बेटी मेरी राह में ये ठीक नहीं है, ये आदमी तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। अब्बा मैं बच्ची नहीं रही, क्या कर रही हूँ अच्छी तरह जानती हूँ। जानती हो तो क्यों मुझसे मेरी राय पूछ रही हो? अगर मेरी राय तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखती तो मेरे लिए यही बेहतर होगा कि तुम्हारे मामलों में दखल ही ना दूं। और अब मेरे ख्याल से मेरा यहां रुकना भी बेमतलब है। मुझे स्टेशन जाना है, एक टैक्सी मंगवा दो। इस वक्त आगरे की कोई गाड़ी नहीं है। स्टेशन पर एक रिटायरिंग रूम होता है जहां रात काटी जा सकती है। अब सरदारी बेगम के जीवन और संगीत पर एक लंबा आर्टिकल लिखूं? तहजीब, इट्स नो लॉन्गर न्यूज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, कम्युनल एंगल पर कुछ खोज निकालो तो जबरदस्त आइटम बन सकता है। That's so bloody boring. मुझे तो इसलिए इंटरेस्ट है कि हमारे जैसे दकियानुसी माहौल की औरत कैसे ठुमरी सिंगर बनी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैमिली से भी कटना पड़ा। तहजीब, हमारे रीडर्स को तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तो ऐसे फड़क रही हो जैसे कोई डीप डार्क सीक्रेट सामने आ गया हो। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो ना सही, मैं कहीं और छपा लूंगी। एक तुम्हारा ही पेपर नहीं है? अरे अरे, तुम तो बिगड़ गई। अच्छा अच्छा, सुनो, संडे एडिशन के लिए तुम एक छोटा सा पीस लिख देना, ओके? हम छाप देंगे। हैप्पी? कल रात मैं ये कहने आया था कि मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की बात पक्की हो गई है एंड यू आर ऑन टू कवर इट। हे, मैं भी आ रहा हूं। जैनेट और बच्चे बेंगलोर जा रहे हैं। मैं नहीं जा सकती, मुझे सरदारी वाली कहानी पे और काम करना है। तहजीब, is this story more important than our being together? Stop making an issue of it. तुम्हारी convenience को देखकर आज तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ tours पर गई। इस बार मेरे लिए convenient नहीं है। मैंने पानी क्यों भर दिया? और तुम क्या कर रहे हो? बैठे रहना बस, कुछ काम वाम मत करना। आप मुझे नहीं जानते, मैं तहजीब हूँ, जब्बार मामू की बेटी। ले जाओ बेटा। लाइए, मैं आपका हाथ बटाती हूँ। ओफो, लकड़ियां कम करो थोड़ी, आग बहुत ज्यादा हो रही है। हम दोनों पहले नहीं मिले, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब एक दूसरे को करीब से जान सकते हैं, है ना? आपका क्या ख्याल है, भूपी जान की याद को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं सोच रही थी उनकी शख्सियत और मौसिकी पर कुछ लिखूं। आप तो मुझे बहुत कुछ बता सकती हैं। देखिए, आप तो आप मेरी मदद नहीं। मैं कुछ कर सकता हूं? जी हाँ, मैं उन सब लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ जो सरदारी बेगम को करीब से जानते थे। एनी सजेशंस? बंदा आपके सामने खड़ा है, आप जब कहें हाजिर हूं। पर पहले आप हमारे सारंगी निवास फतेह खान साहब से बात कर लीजिए। चचा, चचा जान। हाँ बेटा। आप जर्नलिस्ट हैं, सरदारी बेगम के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं इन्हें समझा दीजिए। अभी, फौरन, 2 मिनट में। पागल। नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है खान साहब, आप आराम से बताइए। बैठो। हाँ बीबी, बताओ कहाँ से शुरू करूं? आप उन्हें कब से जानते थे? बहुत साल बीत गए। जब पहली बार देखा तो बच्ची ही थी, तब मैं इद्दन भाई का मुलाजिम था। सांवरिया
दरिया देख जरा किस ओर संवरिया देख जरा किस ओर देख जरा इस ओर संवरिया देख जरा किस ओर संवरिया देख जरा किस ओर चोर संवरिया देख जरा किस ओर संवरिया देख जरा किस ओर ए लड़की कहाँ चली मुझे अंदर जाना है तुम्हें मालूम नहीं भाई के यहाँ मेहमान आए हैं आप चुप रहिए आपा ये किसका घर है आपा ए लड़की सुन हो तुम लड़की ऐसे मुंह उठाए काहे घुसाई मैं गाना सीखना चाहती हूँ अच्छा नाम क्या है सरदारी वालिद का नाम महमूद अब्बासी वो वकील साहब जो सड़क पार रहते हैं जी उन्हें इस बात का इल्म है कि तुम मुझसे सीखना चाहती हो जी नहीं बिल्कुल इल्म नहीं है उन्हें गाना पसंद नहीं इसकी भी इजाजत आपको ही लेनी पड़ेगी मुझे खैर वो तो बाद में देख लेंगे अगर अभी कुछ याद है तो सुनाओ जी मुझे मीर अनीस का कलाम याद है वही सुना दो जब के चले
वादे दो पहर रन को कोई न था के जो था में रकाबे तासन को सकीना रोती थी था में कबा के दामन को हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए शाबाश बेटी, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। बड़ी दबंग बच्ची है और कितना दर्द है इसकी आवाज में। वाह 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 वाह, जीती रहो बेटी, सलामत रहो। उनकी आवाज में वाकई एक कशिश थी, क्या कहें उसके बारे में, बस यही समझ लो बीबी कि खुदा की देन थी। जब गाती थी तो महफिल लूट लिया करती थी। तो आए बहार, आओ जो तुम तो आए बहार। रुत लहके रुत बहके कली खिले चमन झूम रहा हमें पीछी है पलके। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। वाह इतन भाई वाह, खूब तैयार किया है तुमने सरदारी को। वाह वाह वाह, आगे चलकर ये तुम्हारी परंपरा की सही नुमाइंदगी करेगी। वाह वाह वाह। सरदारी इधर आइए, जाओ आइए आइए। तुम्हें जो भगवान ने देन दी है उसकी तरफ कभी लापरवाही नहीं बरतना। ये लो हमारी तरफ से इनाम। आदाब करो बेटी। खाला, ये हेमराज साहब तो संगीत के बहुत बड़े रसिक दिखते हैं। हेमराज साहब सिर्फ संगीत के ही नहीं बेटी, हर खूबसूरत शय के कदरदान हैं। ऐसे मर्दों से बचकर रहना बेटी, तुम्हारी तारीफ की आड़ में कहीं वो तुम्हें ही ना लूट लें। तुम्हें हमेशा सोचना होगा कि अपनी जिंदगी का एक ही मकसद है बेटा, संगीत। उसके सामने बाकी सब बहुत हल्का पड़ता है। चाचा चाचा, ये अंगूठी तुम रख लो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो राजा साहब ने आपको दी थी। चाचा मैं इसका क्या करूंगी, रख लो ना चाचा। खुश रहो बेटा।
उस घर में वो उनकी आखिरी रात थी बीबी, उसके बाद वो वहां कभी नहीं गई। हाँ, मेरे अब्बा ने मुझे इसके बारे में बताया था। हाँ हाँ, यकीनन बताया होगा। बीबी शायद तुम्हें मालूम ना हो, तुम्हारे खानदान वालों ने उन्हें आग कर दिया था, लेकिन इस बात को लेकर सरदारी में कभी कड़वाहट नहीं आई। बड़ा ख्याल लगती थी सबका, खास तौर से तुम्हारे अब्बा जब्बार मियां का। मगर अब्बा ने भी तो उनकी मदद की थी जब उनकी माली हालत बिगड़ने लगी। अरे बीबी, तो उन्होंने कौन सा काम किया, दोनों हाथों से देती थी, इतना बड़ा दिल था उनका। घिरे घिरे आई बदरिया कारी, घिरे घिरे आई बदरिया कारी, घिरे घिरे आई बदरिया कारी, घर घर लाई लाल मेहर मतवारी, घिरे घिरे आई बदरिया कारी, घिरे घिरे आई बदरिया कारी, घर घर लाई लाल लहर मतवारी, घिरे घिरे आई बदरिया कारी। मामू जान आ गए। तस्लीम मामू जान। अरे सकीना, कैसी हो तुम? अरे जब्बार, आज ईद का चांद कैसे दिखाई दिया? बस वैसे ही आपा, पड़ोस में आया था काम से तो सोचा। तुम्हारी बीवी को पता चलेगा ना तो जुलाब का डोज लेना पड़ेगा। मामू जान बैठिए ना, लाइए से मैं रख देती हूँ। सकीना, मैं अपने भाई की खातिर तवाज़ा खुद संभाल लूंगी, तुम जाओ जरा अपना हुलिया ठीक करके आओ, बाल है कि भीड़ का छत्ता। एक मिनट सकीना, ये देखो तुम्हारे लिए। शुक्रिया मामू जान। ठीक से बाल बनाना और मुंह भी धो लेना। जब्बार भैया बैठो तो। जी। और सुनाओ क्या क्या खबरें हैं? तहजीब कितनी बड़ी हो गई, उसे भी साथ ले आते, हम भी देख लें एक बार। तहजीब की स्कूल की तालीम तो पूरी हो गई आपा, और यहीं दिल्ली के अच्छे गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिला है उसे, अंग्रेजी अदब में बीए करेगी। माशाल्लाह, अपनी सकीना तो निरी गधी है, पढ़ाई लिखाई का जरा भी शौक नहीं। लेकिन आपा, आपके इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप चाहती तो उसे भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिल सकता था ना। उसके लिए मदरसा ही ठीक था। हाँ तो इस बार किस गरज से आना हुआ, परमिट, सिफारिश, पैसे या कुछ और? वो बात यह है आपा के इन दिनों नकली जेवरात का सीजन तो है नहीं, दिवाली आने तक ही बाजार गर्म होगा, उधर तहजीब की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा है। और शुक्र है खुदा का कि इस घर में किसी चीज की कमी नहीं, और सब इस गले की देन है जो उस ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है। सकीना जी। आपा भी जरा मेरा बटुआ तो लाना बेटा। कौन सा? लाल वाला कार चोबी बटुआ। जी। एक बात कहूं जब्बार, तुम आदत से बड़े आलसी हो। देखिए आपा, आप जानती है मैं सिर्फ इज्जत की कमाई करता हूँ, वरना मेरे पास भी है। जब्बार, तो मेरी कमाई नाजायज है क्या? तुम्हारी बीवी तो यही कहती होगी ना कि सरदारी आवाज बेचती है। बोलो कितने चाहिए? 10,000। 10,000 बहुत होंगे। बस मैं तो सीना चीर कर दिल निकाल कर देने के लिए तैयार हूँ, मांग कर तो देखो। ये लो 20,000। 20,000 तो अच्छा आपा, आप इसे कर्जा समझिए, मैं जल्दी से जल्दी आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। कर्जा किस वास्ते? ये मेरी भतीजी की तालीम के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अच्छा आपा, चलता हूँ, खुदा हाफिज। चाय पीकर तो जाओ जब्बार। नहीं, कुछ जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगा। सकीना, खुदा हाफिज बेटे। बड़ी नेक और फयाज दिल खातून थी, मैं तो बेसहारा और यतीम हो गया। बस एक यही अंगूठी निशानी रह गई है उनकी। आपके सरदारी आप अभी किताब लिखेंगी?
अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर मटेरियल मिल गया तो किताब भी बन सकती है। पता मेरी पहली बार आपा से कैसे भेंट हुई थी? उन दिनों वो बहुत कम महफिलों में गाया करती थी, तकरीबन रिटायर हो चुकी थी। मैं तो उनके संगीत पर पूरी तरह से फिदा था। हालांकि कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। आखिर मैंने मिलने का बहाना ढूंढ ही लिया। खुदा हाफिज जब्बार। खुदा हाफिज आपा। फिर कब आओगे? जल्दी आना। अच्छा जी। हम मुरीदों को आपके कदमों में बैठने की इजाजत है? अरे उठो उठो, ये क्या बेहूदगी है? ये मुनीर है और मैं अमोद। हुक्म करें तो हम जान छिड़कने को भी तैयार। मुझे अपने सब चाहने वाले अजीज हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। चल चल चल। आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? हम अपनी दानव सभा के वार्षिक सम्मेलन में आपकी शिरकत चाहते हैं। मैंने सम्मेलनों में गाना बंद कर दिया है। आप लोगों को संगीत की जरा भी कदर नहीं है। पिछली बार गई थी एक सम्मेलन में तो लोग बीच बीच में आ रहे थे, जा रहे थे, आपस में बतिया रहे थे, यहाँ तक कि मेरे सामने बैठकर आलू के चिप्स चबा रहे थे। सम्मेलन नहीं था कमबख्त, गांव का मेला था। मेला नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि सामान्य अदब से पेश आएंगे। किसने बदतमीजी की तो फौरन कान पकड़ कर निकाल दिया जाएगा। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बेहयाई की भी हद होती है। एक बार कह दिया नहीं गाऊंगी, काफी है। सकीना जरा इन हजरात को बाहर का रास्ता दिखाना। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए ना हमारे पास आपके सब रिकॉर्ड हैं। ये देखिए सरस्वती माँ की कसम मुझ जैसा शादाई आपको शायद ही मिलेगा। बेगम साहब आपको तो आना ही पड़ेगा। हमने तो पोस्टर भी छपवा दिए हैं। मान जाइए हमारी इज्जत का सवाल है। अच्छा ठहरो, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी सकीना तुम्हारी सभा में गा सकती है। जी मगर इन्होंने इससे पहले तो कभी गाया नहीं। नहीं मेरा मतलब। अरे भाई शुरुआत कहीं से तो करेगी। जानते हो जब मैं इसकी उम्र की थी तो मेरी आवाज में इतनी तैयारी नहीं थी। तुम्हारी सभा की शोभा बढ़ेगी। यकीन मानो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या मुनीर क्या कहता है? ठीक है स्वीकार कर ले। बेगम साहिबा आपका हुक्म सर आंखों पर। आप सिर्फ इतना बता दीजिए हम कितना पेश करें। 15,000। हमारे पास तो कुल 7,500 रुपए हैं। नहीं नहीं 10,000। 10,000 तो मैनेज कर लेंगे। हाट में सब्जी खरीदने निकले हो? मोल तोल की मुझे आदत नहीं। एक बार कह दिया हम 15,000 लेंगे। नहीं नहीं ठीक है मंजूर है मंजूर है। और आपको हमारे लिए गाड़ी भी भेजनी होगी। गोले घिर घिर आई बदरिया कारी। घिर घिर आई बदरिया पुकारे गिर आई बदरिया कारी। गिर
लोगों को ना तो मौसीकी की कद्र है और ना शऊर। ये कैसी संगीत सभा है जहां एक नई होनहार कलाकार को जलील किया जाता है। बहुत अफसोस की बात है, आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि हम आपके सामने गाएं। उस दिन के बाद सरदारी बेगम की नजर में मुझसे बुरा कोई नहीं था। महीनों महीनों तक उन्होंने मुझे मिलने भी नहीं दिया, इतनी खफा थी। आखिर उनका गुस्सा कम हुआ और मुझे उनके यहां आने जाने की इजाजत मिली, क्योंकि वो भी जानती थी कि एक मैं ही उनका सच्चा कदरदान था। और भी तो थे उनके चाहने वाले। जी देखिए, मुझे उनकी आवाज, उनके फन में दिलचस्पी थी। किससे उन्हें इश्क था या कौन उन पे मरता था, ये सब बेकार की बात है। आप गलत समझे, मेरा ये मतलब नहीं था। असल में मैं एक शख्स के बारे में कुछ जानना चाहती थी, हेमराज। हेमराज? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। अरे बीवी, उन्हें तो मैं जानता हूँ। आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? कई बरस हो गए उनसे मुलाकात हुए, खुदा मालूम अब मुझे पहचान भी सकेंगे या नहीं। आओ बीवी। क्यों भाई, राजा साहब घर पे तशरीफ रखते हैं क्या? कौन है? आदाब, माफ कीजिएगा, राजा साहब घर पे तशरीफ रखते हैं क्या? उनका तो कब का स्वर्गवास हो गया। जी उनसे क्या काम था, कौन हैं आप लोग? जी ये सरदारी बेगम की भतीजी हैं। आदाब, उनके बारे में एक मजमून तैयार कर रही हूँ, शायद आप मेरी मदद कर सकती हैं। आइए। बैठिए। शुक्रिया। क्या लेंगे आप, चाय? नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं, आप जहमत ना करें, चाय लाना। क्यों पुराने दुखों को दोहराना चाहती हो, वो घाव तो कब के भर गए हैं। सरदारी बेगम का इंतकाल हो गया। अच्छा, हमें नहीं था मालूम, कब हुआ ये? पिछले हफ्ते। ओ भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तुम सोचती होगे कि हमें उससे नफरत थी, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि हमें तो दया आती थी उसकी दशा पर। बेचारी, उस रात जब वो भागकर यहां आई थी, उसकी उम्र तुम्हारी जितनी रही होगी। इतनी रात गई ये लड़की यहां क्या कर रही है? राजा साहब, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब मेरा गाना बंद करवाने पे तुले हैं। मैं सीधा घर से भाग कर आपके पास आई हूँ, आप मेरे लिए कुछ करिए। तुम इद्दन भाई के पास क्यों नहीं चली गई? मैं वही गई थी, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। अगर मेरा गाना बंद हो गया तो मैं जहर खा लूंगी। देखो, मुझसे जो हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे वालिद से बात करूं। नहीं नहीं, वो तो मेरी शादी कर देना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मेरे लिए कुछ करिए, मैं आपके यहाँ रहकर गाना सीख सकूंगी, मुझे अपने पास रख लीजिए। तुम यहाँ इस घर में रहना चाहती हो? तो फिर मैं क्या करूं, मैं राजा साहब के सिवा किसी और को नहीं जानती। कुछ दिनों के लिए यहाँ रख ले तो क्या हर्ज है, हमारे पीछे के कमरे तो सब खाली पड़े हैं। एक कमरा इसके लिए तैयार करवा दो। ये लड़की यहाँ नहीं ठहरेगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसका क्या परिणाम होने वाला है। इसे तुरंत यहाँ से भेज दो, वरना मैं धक्के मारकर निकलवा दूंगी। चलो आओ अंदर। उन्होंने उस पे तरस खा के उसे शरण तो दिया,
मगर उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब हमारे पति ठहरे रंगीन मिजाज दुनियादार आदमी, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। 20 औरतें उन्हें घेरे रहती थी, जिनमें से एक सरदारी भी थी, मगर न जाने क्यों उसे यह भरम था कि उसे ब्याहता पत्नी बनेंगे। अब जरा सोचो, उसके पास था ही क्या जिससे वो आकर्षित होते। एक मामूली खानदान की साधारण सी लड़की। खैर, जब उसने बहुत जिद की तो हमारे साहब ने घर में उसकी महफिल रखी। घर नाही हमरे शाम, घर नाही हमरे शाम, घर नाही हमरे शाम, वो जाके परदेश बिराजे, जाके वो जाके, वो जाके परदेश बिराजे, सुना हम राधा, सुना हम राधा, घर नाही हमरे शाम, घर नाही हमरे शाम। बगियन में मस्ती छाई है, बगियन में मस्ती छाई है, बगियन में मस्ती छाई है, पापी पपी हमरा बेरी, पापी पपी हमरा बेरी, नित पिया काना सुलगे, तन सुलगे, तन सुलगे, जो में हा बरसे, शाम जो आके अंग लगाने, शाम जो आके अंग लगाने, मन पाए आराम, मन पाए हमरे शाम। उस महफिल के कुछ ही सप्ताह बाद सरदारी सादिक मुसवी के साथ दिल्ली चली गई और साथ हमारे गहने भी ले उड़ी। इन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सरदारी उनके साथ ऐसे दगा करेगी। जहां तक हम जाने उसके बाद वो आगरा कभी फिर वापस नहीं आई। कहते उस आदमी सादिक के साथ उसकी शादी हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बयान से मुझे काफी मदद मिलने वाली है। भाई, अब हमें क्या मालूम था कि आगे चलकर चोटी की गाने वालियों में उसकी पहचान होगी। कलयुग है, तभी तो हम जैसों से ज्यादा नाचने गाने वालों की चर्चे हैं आजकल। बेटी, तुम सरदारी की रिश्तेदार हो,
किसी से कहकर क्या हमारे गहने नहीं फिरवा सकती? बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा, आदाब। क्या फूफी जान सचमुच गहने लेकर भाग गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां तक मुझे इल्म है, राजा साहब ने वो गहने सरदारी को बतौर नजराना पेश किए थे। यानी हेमराज उनका ख्याल रखते थे? बिल्कुल रखते थे बीबी, बिल्कुल रखते थे। वरना मेरे हाथ में रुपए रखकर ये क्यों कहते कि सरदारी के लिए मकान ढूंढो? उसकी ठुमरी और दादरा की तालीम रुकनी नहीं चाहिए। मैं उस वक्त से सरदारी को जानता हूँ बीबी। क्या उन्हें हेमराज से इश्क था? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि उन्हें राजा साहब से इश्क था या राजा साहब को उनसे? ये तो दिल की बातें हैं, दिल वाले ही जाने बीबी। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरदारी के अरमान वो पूरे नहीं कर पाए। राजा साहब को दरअसल एक हद तक मौसीकी से दिलचस्पी थी, वरना बीबी वो गाने से ज्यादा गाने वालियों को पसंद करते थे। अच्छा, आप बनी सरदारी और मैं बनूंगी हेमराज। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आपने ऐसा क्या रखा है जो आपने मेरा मन मोह लिया? वैसे तो आपसे ज्यादा हसीन और जवान लड़के मेरा हाथ थामने को तैयार हैं, लेकिन क्या करूं मेरे आका, मैंने अपना दिल जो आपको दे दिया। छी, मैं कहां ऐसा कहती हूं? आपको अपना दिल दे दिया। नाराज हो गई बेगम? मुझे बेगम मत कहिए, मैं सरदारी हूँ। आप मुझे संगीत सभा में जाने से क्यों रोकते हैं? क्या मैं अच्छा नहीं गाती? बस आपके दोस्तों के सामने गाती रहूं तो लोग मुझे जानेंगे कैसे? यूं ही बूढ़ी हो जाऊंगी। जाने मन, गाना ही तो तुम्हारी जिंदगी है। 10 के सामने गाओ या 10,000 के सामने, बात तो एक ही है। आप नहीं चाहते कि लोग मुझे जाने और दुनिया में मेरा नाम हो? अरे, इसमें रखा ही क्या है? ठुमरी और दादरा उन चंद रसिकों के बीच में बैठ के सुनने वाली चीज है जो इसका असली मजा ले सके, पुरानी नायाब शराब की तरह। अच्छा, ये देखो तो सही, तुम्हारे लिए नजराना लेकर आया हूं। दिखाओ, ये देखो, ये बुंदे, ये कड़े। अब तो खुश हो ना? तुम तो मेरा अछूता हीरा हो सरदारी, हर कोई तुम्हें उठा के परखने लगे तो तुम्हारी चमक दमक कम नहीं हो जाएगी क्या? ये क्या कर रहे हैं? देखते नहीं सामने बैठे हैं? तो क्या हुआ? सरदारी, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। मैं नहीं होता तो आप इस तरह मेरे सामने बैठी नहीं होती उनके बारे में इंटरव्यू लेते हुए। उनके करियर की शुरुआत मेरी वजह से हुई। उन्हें जो शोहरत मिली, इज्जत मिली, नाम मिला, सब मेरी मेहनत से। आगरे के उस दकानुसी माहौल से उठाकर लाया था मैं उन्हें। यू नो, पहली बार जब मैंने उनका गाना सुना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि वन डे शी विल बिकम फर्स्ट क्लास सिंगर। चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। बालों में गजरा बांधेंगे और पैरों में पायल, होंठों पर लाली दमकेगी और आंखों में
डालो राजा हो चाहे काट डालो। बोलो सादिक मियां, कैसी लगी? नमकीन है कि नहीं? नमकीन क्या, ये तो बेमिसाल अदाकारा है। तुम आए कभी हमारी गली तो हम छत पर आ जाएंगे, इशारे करेंगे हम तुमको, तुम्हें हम घर में बुलाएंगे। पान कभी हम पेश करेंगे तुमको राजा जानी, और कभी मांगेंगे तुमसे हम रूमाल निशानी। प्यार में जो होती है बातें सारी करेंगे। क्या दाएं, क्या आवाज, क्या निखार है। कहते हैं गुदड़ी में लाल नहीं छुपता। ठीक कहा तुमने। यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्यों सादिक मियां कैसी रही? अरे कहाँ चल दी है? ओ इस हकीर से गुलाम के हाथों का दिया ये गुलाब तो कबूलिए बेगम साहिबा। सादिक कहते हैं मुझे, इजाजत दे तो आपको सरदारी कहकर मुखातिब करूं। तेरा तबस्सुम हो गया मेरे दिल के पार, यह जख्मी दिल लेकर कहां जाऊं मैं। मैं चाहूंगा कि तुम मेरी रफीका हयात बनो, जब तक इस दुनिया में कैद मुकर्रर है तुम मेरे साथ रहो। मुझसे शादी करोगी? शादी अभी इसी वक्त, अगले गाने से पहले या उसके बाद? क्यों सादिक मियां, हमारी बेगम से क्या बातचीत हो रही है? राजा साहब एक मौलवी बुला लीजिए, ये हजरत मुझसे शादी करना चाहते हैं। सादिक मियां की बातों पर मत जाना, ये तो हर हसीन लड़की को देखकर मोहित हो जाता है। इस बार मैं सीरियस हूं। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा, सादिक जैसे मस्करे से मुझे कोई डर नहीं है। चलो भाई महफिल शुरू करें, आओ। और उसके बाद शहर छोड़कर आपके साथ चली आई, मैंने तो यही सुना है। अच्छा किसे सुना, मैं भी तो सुनूं। हाँ ये बात सही है कि सरदारी मुझ पर मरती जरूर थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था। कैसा प्रॉब्लम? अभी इन बातों का जिक्र न करें तो बेहतर है, पर तुम जब्बार की बेटी हो इसलिए तुमसे क्या छुपाना। लेकिन तहजीब इस बात को आम नहीं करना, बेकार में किसी का दिल क्यों दुखाएं। अरे ये क्या, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मेरा सर फटा जा रहा है। टैक्सी नीचे इंतजार करिए, चलो चलो जल्दी करो। सरदर्द के लिए कुछ लाऊं? तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस आगरा छोड़कर दिल्ली जाने के ख्याल से नर्वस हो गई हो। घबराओ मत,
अरे यकीन मानो पूरे दिल्ली शहर को लूट लोगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम उन बुलंदियों पर पहुंच जाओगी जहां बेगम अख्तर और इकबाल बानू का मुकाम है। मैं आकर छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? यहाँ कौन सा खजाना गड़ा है? एक सलील शहर में तुम्हें गुमनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। क्या समझती हो तुम्हें सब्ज बाग दिखाकर भगा ले जा रहा हूं? तुमसे निकाह करना चाहता हूं। कल रात तक तो तुम इतनी उतावली हो रही थी, ये आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? मैं मां बनने वाली हूं। ए? या खुदा, हेमराज को इसका इल्म है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। उसे पता भी चल गया तो क्या करेगा? वो इस बच्चे को हरगिज नहीं अपनाएगा, जानता हूं मैं उसे। मैंने तुमसे कहा था ना, जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारे बच्चे को कबूलने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं। वो हमारा बच्चा होगा। अच्छा चलो चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। चलो रास्ते में राजा साहब की कोठी से होते हुए जा सकते हैं? नहीं, वो किस्सा अब खत्म हो गया। मैं उनके जेवर लौटाना चाहती हूँ। लाओ मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो सादिक मियां, खुश रहो बेटी, अल्लाह मुबारक करे। फरमाइए मौलवी साहब, कितनी रकम पेश करूं? 75 रुपए सादिर कर दीजिए। आप 100 रुपए लीजिए, अब शादी रोज रोज तो नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा इस जोड़े को अपने कर्म से नवाजे। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे खिड़की तो बंद कर लीजिए। अरे देखना हो तो देखे, मियाँ बीवी हैं आखिर। घर वालों से मिलने कब चलेंगे? वो तो कभी नहीं अपनाने वाले, बहुत ही पारसा नवाजी किस्म के लोग हैं। ये नाचना गाना बजाना सब मकरूह समझते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी खातिर अपने खानदान से भी नाता तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपकी खातिर गाना छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पागल तो नहीं हो गई? उस दलदल से ब्याह कर क्या तुम्हें खाई में धकेलने के लिए लाया हूँ? जो कुछ भी हो, आज से हम और तुम एक हो गए हैं। और फिर क्या? कुछ दिन बाद हमारी सकीना पैदा हुई और मैं सरदारी के कैरियर को बढ़ाने में जुट गया। उसकी आवाज की तैयारी में मुझे बेहद मेहनत करनी पड़ी। अच्छा तुम कुछ कहना मत, बात मैं करूंगा, बस मुस्कुराती रहना। ये बिजनेस मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम सिर्फ गाना, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। जी मेरे आका। अच्छा क्या करी हो, बात तो छोड़ो, अरे लुक दिख रही। बंदी से भूल हो गई। अरे ये चुप चुप। मिस्टर सेन सर, मुझे सादिक मूसी कहते हैं सर। सादिक, आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी सर, सरदारी बेगम के बारे में सर। आप इन्हें सुनिए सर, ये लाइट क्लासिकल गाती हैं सर। आप इन्हें मिस्टर सादिक माफ करें, आज तो मैं इन्हें नहीं सुन सकता, आप फोन करके ऑडिशन का अपॉइंटमेंट कर लें, यकीन दिलाता हूँ पूरे ढंग से सुनूंगा। सर
सर, टू मिनट सर, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे सर, अनमोल हीरा है सर, आप नट हो जाएंगे, खजाना है खजाना, प्लीज सर। प्लीज साजिद, मैं कह चुका हूँ इनका ऑडिशन मैं बाद में करूंगा, प्लीज एक्सक्यूज मी। सर कुछ गाओ, गाओ, लिसन प्लीज। मोरे कान्हा कान्हा है, मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। उनके पीछे में चुपके से जाके, उनके पीछे में, उनके पीछे में चुपके से जाके, उनके पीछे में चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, हो रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, अब के होली में खेलूंगी डट के, मोरे कान्हा मोरे कान्हा मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। उन्होंने अगर जोरा जोरी, जोरा जोरी, जोरा जोरी कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी भैया मरोड़ी है, छीनी पिचकारी भैया मरोड़ी, गारियां मैंने रखी है रट के, गारियां हो गारियां मैंने रखी है रट के, अके होली में खेलूंगी डट के। और इस तरह हिंदुस्तानी मौसीकी के ऊपर एक नया सितारा उभर कर नुमाया। 8-10 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। सरदारी की महफिलें, रिकॉर्डिंग, टूर, हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में संगीत सम्मेलन है। सरदारी बड़ी खुश थी, माशाल्लाह उसकी सेहत भी अच्छी हो गई। तो फिर उसके बाद आपके ताल्लुकात बिगड़ने लगे? हाँ, पता नहीं सरदारी को यह एहसास होने लगा कि मैं जो भी उसके लिए कर रहा था वो काफी नहीं था। क्यों, क्या किया उन्होंने? बात बात पर नुक्ताचीनी, हर चीज में मीन मेख निकालना, पता नहीं कहां और कैसे वो बदल गई, बहुत बदल गई। सरदारी, 25 तारीख का प्रोग्राम तय हो चुका है। ये देखो जब्बार भैया का तार आया है। फादर, सीरियस ऑपरेशन इमीडिएटली नेसेसरी। तुम्हारा वहां जाना क्या मुनासिब है? दिल तो बहुत करता है जाने को, मगर अब्बा बुरा मानेंगे। सोचती हूँ कुछ पैसे भेज देते, कितने ठीक रहेंगे? 5,000 का मनी ऑर्डर करवा देता हूँ। क्या 5,000? उससे क्या होगा, 15,000-20,000 तो भेजने ही चाहिए। 15,000-20,000? इतने पैसे हमारे पास कहाँ है? क्यों, अभी अभी लखनऊ, बनारस और कानपुर वाली टूर के 50,000 मिले हैं, फिर मेरी रॉयल्टी और उन बेहुदा शादियों के नजराने जहां तुम्हारी वजह से मुझे अपना गला पालना पड़ता है। तो क्या घर का खर्चा नहीं है?
तुम्हारी ये कीमती कीमती साड़ियां, ये जेवर सके ना कि आया, ये समूचे ताम झामे कितना कब जाता है, और जो कुछ बचा है वो मैंने इन्वेस्ट करवा दिया है। इन्वेस्ट? हाँ। काहे में इन्वेस्ट किया है? भाई मकान जमीन जायदाद शहर वगैरह में। मगर मैंने तो कोई लिखत पढ़त नहीं की। अरे तो इन सब डिटेल से तुम्हें क्यों परेशान करता है, बेकार का टेंशन। तो सब कुछ क्या तुम्हारे नाम है? तुम ये समझते हो कि ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं? इतने साल हो गए सरदारी, तुमने कभी ये नहीं कहा कि पैसा कहां जा रहा है, और अब हुक्म देती हो कि घड़ी की एक चौथाई में 20,000 ला कर दू, नहीं देता तो इल्जाम लगाती हो। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। हाँ तो क्या कर रही हो? जिस तरह तुम सोच रही ना उसका ये मतलब है कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। रुपया मेरा है और अगर उसमें से मैं कुछ खरीदना चाहूं तो मुझे मिलना चाहिए। तो ये ले। फिर तो क्या वो अपना मेंटल बैलेंस ही खो बैठी? यू नो बात सिर्फ रुपए तक ही नहीं महदूद रही। जब भी मैं कोई कॉन्सर्ट या महफिल फिक्स करता वो बस बहाने बनाती, या फिर देर से आती, या फिर मुंह ही नहीं दिखाती। इसी देर और कब तक और इंतजार कराएंगे? हम बार बार आपकी बीवी की नखरों की वजह से रिकॉर्डिंग कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन सवेरे ही उनसे बात हुई सर, उन्होंने कहा कि आ रही है। फिर नहीं आने की कोई वजह? हो सकता है सर, मुझे लगता है उन्हें गजल के लिरिक्स कुछ बेहुदा से लगे हो सर। बेहुदा से? लिरिक्स तो आपने पसंद किए थे, सरदारी बेगम से अप्रूव नहीं कराए थे। नहीं कराए थे सर, लेकिन उनके मिजाज का क्या किया जाए, घड़ी में माशा घड़ी में तोला, आप तो जानते हैं सर। मिस्टर सादिक, मैं आपकी बीवी की, उनकी आवाज की, उनके टैलेंट की बहुत इज्जत करता हूँ, रियली, लेकिन टैलेंट ही काफी नहीं, डिसिप्लिन भी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन उन्हें ये बात कौन समझाए? वो तो कहती मैं फनकार हूं, तुम लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो। आप प्लीज उन्हें समझाए सर, प्लीज। ठीक है, आज शाम मैं आपके यहां आता हूं, विल वर्क समथिंग टुगेदर, आई होप। मिस्टर बलसावर, आई एम वेरी सॉरी द रिकॉर्डिंग इज कैंसिल फॉर टुडे, माफ करना आप सब लोग, सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर। कहां चली गई थी तुम? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज सैन साहब की रिकॉर्डिंग है। क्या आपने मुझसे पूछकर तारीख मुकर्रर की थी? मैं सकीना से पहले से वादा कर चुकी थी कि आज अमीत की खरीदारी के लिए जाएंगे। तुम्हारा क्या आज ही जाना जरूरी था? इसकी बाकी सहेलियों की माएं भी साथ गई थी। जिंदगी का ये पहलू भी बहुत अहमियत रखता है। हाँ, तुम्हारे कैरियर से ज्यादा। कैरियर? कोठे पर बैठी बाई जी की तरह ठुमकेदार गीत और बेहूदा गजलें गाना ये मेरी रिवायत नहीं है। मैं रागदारी सिंगर हूँ, मेरा आसन नहीं। बात को मत बढ़ाओ सरदारी, क्लासिकल हो या नॉन क्लासिकल, जो पब्लिक को पसंद हो वही गाना चाहिए, और मैं तो एडवांस भी ले चुका हूं। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, चुप रहूं चुप रहा नहीं जाता। थू, इस किस्म के शेर गाने का एडवांस लिया है, लौटा दीजिए एडवांस, मैं नहीं गाऊंगी। अब कैसे लौटा दूं? वो तो खर्च भी हो गए। वो सब मैं नहीं जानती, आप जाने, आपका काम जाने, मैं आइंदा से ऐसे बकवास से गाने नहीं गाऊंगी। मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूं। तुम गाओगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? आप भी कुछ कर सकते हैं, जरा हाथ पैर चलाइए, घर बैठे बैठे आखिर बीवी की कमाई कब तक खाएंगे? हाँ दो गई, तुम्हारी वजह से मेरा कैरियर तबाह हो गया, बिजनेस बर्बाद हो गया, कहती हो कुछ नहीं करता, अगर आज लोग तुम्हें जानते हैं तो मेरी वजह से। अच्छा, अगर मैं तुम्हें आज घर से निकाल दूं तो एक मिनट के लिए भी अपने बूते नहीं जी पाएंगे? तुम क्या समझती हो, तुम्हारे टुकड़ों का मोहताज हूं? नहीं है क्या? अच्छा, चैलेंज कर रही हो, चला जाऊंगा यहां से, बहुत सारे तुम्हारे नखरे। बस इस घर का मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कपड़े और सकीना को साथ ले जा रहा हूं, चल। सकीना को नहीं ले जा सकते, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ भी नहीं। पता नहीं सरदारी ने ऐसा क्यों कहा, उसके बाद मैं वहां एक पल नहीं रुकना चाहता था, आखिर मेरी भी इज्जत है। फूफी ने कैसे मैनेज किया होगा आपके जाने के बाद? ऐसी बेसहारा भी नहीं थी वो, उसके मददगार बनने के लिए बहुत से लोग तैयार थे, मानिक सेन जैसे। तो फिर आपका तलाक हो गया? नहीं, मैंने उसे तलाक नहीं दिया, मुझे हमेशा यही लगा कि उसे मेरी जरूरत पड़ेगी, और फिर सकीना भी तो थी, खाक सुख मिला उस बेचारी को उस घर में रहकर। यू सी मिस्टर सादिक, ही वाज जस्ट नॉट राइट फॉर हर। थैंक यू, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? जी प्लीज। मैडम के लिए एक चाय ले आना, अगर सकीना ना होती तो उनका सेपरेशन बहुत पहले हो गया होता, आखिर सरदारी को उन्हें निकालना ही पड़ा।
लेकिन सादिक मियां का तो दावा है कि वो फूफी को छोड़कर गए थे। Yes, I suppose that's what you would like to believe. वो तो यही कहेंगे। Cheers. जा रहा हूँ मैं। हाँ, जाइए जाइए। इस घर में बाप का एक दिन कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरा भी घर है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। मगर इसे बनाने में मैंने अपना खून पसीना किया, आपने क्या किया? आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, ये मत भूलना कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारी खातिर किया है। अच्छा, इसीलिए एक एक पाई अपने नाम कराई। गुलजा सिनेमा के पास जो जमीन है किसकी है बोलिए ना, और पहाड़गंज में दुकानें और वो टाटा के शेयर, हेमराज साहब ने जो मुझे जेवर दिए थे वो भी बेच खाए होंगे। सरदारी तो गूंगी गुड़िया थी ना, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ तो पाई पाई का हिसाब ले लो, मैं समझाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम बोलने का मौका कहाँ देती हो? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आपकी तो मुझे सूरत से नफरत, इतने बरसों तक मैं तो अंधी थी, अंधी। या खुदा, ये भी लेते जाएंगे। ये क्या? जाएंगे। क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो, ये बात मत करो सरदारी, सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? दफा हो जाएंगे यहाँ से, दफा हो जाएंगे। कम से कम इज्जत का तो ख्याल रखो। आप सादिक साहब के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप इस चीज की तरफदारी मत करिए, इन्हें भी अपने साथ ले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दो। सरदारी बेगम, जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर कीजिए। देखा, सैन साहब गवाह है, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा, तुम्हारे और सकीना के बिना मेरी जिंदगी किस काम की? झूठ, सब झूठ, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। मैं क्या चाहती हूँ इसका कभी ख्याल भी नहीं आया, और मेरी मौसी की वो तुम्हारे लिए रुपया बटोरने का जरिया और अच्छा, कुछ अच्छा, ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, है अपने आप को बदलूंगा, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह तो मुझे मत टुकड़ाओ। क्यों कर रहे हो शादी? जाइए यहाँ से, बहुत हो चुका हो गया है। तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा? उसे एक बाप की जरूरत है। ये इंसान मेरी बेटी का बाप बनने के लायक नहीं। ये देखा है? प्लीज You won't believe it, अगर साजिद फिर वापस लौट आए और सरदारी ने भी उन्हें आने से नहीं रोका, लेकिन साजिद मियां कहां बदलने वाले थे, एक दिन उन्हें जाना ही पड़ा, और जो भी हाथ में आया वो साथ लेकर कुछ भी नहीं छोड़ा, सरदारी का जेवर, कीमती कपड़े वो भी बेच डाले। सरदारी बहुत परेशान थी और गाने में भी जी नहीं लगता था, फिर उसने अपने निजी मामलों में मुझसे राय लेनी शुरू की। माफ कीजिए, एक बात पूछूं, Were you in love with her? Yes, it was difficult not to be attracted to someone like Sardari. नींबू लगा दो। आदाब। आदाब। अरे सैन साहब, आइए आइए, भुट्टा खाइए गरम गरम। शुक्रिया। सकीना, ये तुमने मंगवाए थे। शुक्रिया। और मेरे लिए कुछ नहीं? आपके लिए क्या है? चंद पुरानी बंदिशें हैं, हारमोनियम पर गा के नहीं सुनाएंगी? चलिए कोशिश करते हैं। आइए चाचा। हुजूर, इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था। हुजूर, इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था। तगाफुल आप करते हैं, सितम करते तो अच्छा था। हुजूर, इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था।
में जोरो जफा मत कीजिए हम पर, कहा किसने कि ये जोरो जफा मत कीजिए हम पर, बस इतनी सी गुजारिश है कि कम करते तो अच्छा था, हुजूर इतना गए हम पर करम करते तो अच्छा था। बहुत खूब, दैट वॉज वंडरफुल। ऐसा क्यों ना करें, इन पुरानी बंदिशों का तुम्हारा एक रिकॉर्ड निकाल दें। कौन खरीदेगा? लिमिटेड एडिशन, सिर्फ आपके लिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे अरे, आप तो झेप गए। मुझे अपनी बात नहीं करनी आती सरदारी, मेरा मतलब है तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है? किसकी शादी? मैं जज्बाती आदमी नहीं हूं और ना ही इतना जवान कि मैं मजनू की तरह तुम्हारे इश्क में दीवाना हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और तुम तो जानती हो कि मैं आप बहुत शरीफ आदमी हैं सैन साहब, लाखों में एक, मगर मैं एक पतिव्रता आदर्श पत्नी नहीं बन सकती। मेरे लिए संगीत के आगे कोई चीज अहमियत नहीं रखती। तभी तो शादी करना चाहता हूं, ताकि तुमको अपनी संगीत के लिए पूरी आजादी मिले। मगर हम दोनों बिल्कुल अलग अलग माहौल से हैं, क्या समाज आप पर उंगली नहीं उठाएगा? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, तुम जैसी भी हो मैं स्वीकार करूंगा। और मेरी बेटी? उसका तो बाप है। उस शख्स की तो मैं परछाई भी इस पर नहीं पड़ने दूंगी। कोई और इंतजाम हो सकता है, मेरा मतलब है मैं सकीना का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूं। उसे प्यार चाहिए, खैरात नहीं। तब तो ना हुआ। ऐसा ही समझिए, मैं बेटी से अलग नहीं हो सकती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? यस, सकीना को अपनाने से मुझे कतराना नहीं चाहिए था। और उसी जमाने में उन्होंने गाना भी छोड़ दिया। हाँ, इसी के आसपास छोड़ा नहीं, कम कर दिया। वो अपने आप में सिमटने लगी और मैं भी उनकी मदद नहीं कर सका। मगर आप तो एक बड़ी म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर थे। हाँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे कंपनी के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। सरदारी बेगम एक टूटे हुए तारे की तरह आसमान में भड़क कर बुझ गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मौलवी साहब, फूफी की मौत का ताल्लुक उस फसाद से तो नहीं था? तौबा कीजिए मोहतरमा, पॉलिटिक्स से वो मीलों दूर भागती थी। उनका तो सिर्फ एक शगल था, अपनी बेटी को पक्का गाना सिखाना। वैसे आखिरी दिनों में उन्होंने शादी के कुछ रिश्ते भी तय करना शुरू कर दिए थे, ये एक वजह हो सकती है शायद। अल्लाह के घर आपको बहुत सवाब मिलेगा, सारे मोहल्ले की बेलौस खिदमत करती रही है। मगर सकीना के बारे में जरा सोचिए, कल ही अशफाकुल्लाह साहब एक रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। सकीना को मौसीकी से कहां फुर्सत, वही उसका ओढ़ना बिछौना, अब शादी करके क्या करेगी? कुरान शरीफ में हिदायत है कि शादी हर एक इंसान के लिए फर्ज है, और एक जवान औरत के साथ इस तरह का बर्ताव क्या जायज है? हेलो, मैं भी कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ,
मेरे लिए भी कोई रिश्ता ले आते। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप। दुल्हा दुल्हन आ गए, ये मोहन है आदाब, और ये कुलसुम। जीती रहो मौलवी साहब, अब आप झटपट निकाह पढ़ दें। नजराना लाए हो? जी, ज्यादा नहीं है। जितना भी हो। बेगम साहिबा, ये निकाह कैसे हो सकता है? लड़का हमारे मजहब का नहीं है। मैं कुलसुम के लिए अपना धर्म बदलने को तैयार हूँ। दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? ये मुनासिब नहीं है बेगम साहिबा, बाद में तकलीफ होगी। अरे मेरे होते हुए कोई ने छू भी नहीं सकता, मैं एक फूक मारूंगी ना तो सब बिगड़ जाएंगे। रफीक मियां जरा तशरीफ लाए, ये लड़के की तरफ से गवाह है और ये लड़की की तरफ से। फतेह खान साहब, आप बहेल से थे वकील, तशरीफ ले आइए। अरे क्या हो रहा है यहाँ? अरे सरदारी बेगम, तुमको किसने कहा ये सब कराने के लिए? अरे निकाह कराने की जुर्रत कैसी हुई तुम्हारी? उठ यहाँ से, बढ़िया निकाह कराने वाले। रुक जा, छोड़ दो इसे, खबरदार जो हाथ लगाया। ये इसका निजी मामला है, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? लड़की बालिग है, बच्ची नहीं। अरे अब्बा, अरे क्या कहा, मेरी बच्ची है, मैं फैसला नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तू चल यहाँ से, तेरी तो टांगे तोड़ के। वालदैन को बच्चों पर अपना फैसला थोपने का कोई हक नहीं पहुँचता। अरे हर राफो कहीं की जबान लड़ाती है, एक तो सारा फजीता खड़ा कर दिया, ऊपर से लिख के पिला रही है। अरे तुम चल, तेरी तो जान निकाल दूंगी घर पे, चल तो सही, मेरे से कम्बा खत कहीं की। फिर क्या था, तनाव बढ़ता ही गया, पॉलिटिशियन ने भी इस बात को खूब उछाला। तो फसाद की जड़ वो शादी थी, ये कहना तो मुश्किल है। हाँ, अगर चुनाव के दिन न होते तो बात खुद ब खुद ठंडी पड़ जाती। इस तरह की शादियां होती रही है, माँ बाप राजी न हो तो झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ये बात इतनी आगे बढ़ी उसकी वजह इलेक्शन, ये मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, खुदा हाफिज़। फी अमानुल्लाह। सकीना बीबी हैं? जी हैं, आप ऊपर जाइए। इधर जी। आदाब सकीना बाजी। आदाब। मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। अपनी माँ के बारे में आप कुछ तो कह सकती हैं। जो हमारे बीच में था वो हमारे आपस की बात थी, आपको इससे क्या लेना देना। इस मामले को लेकर आप इतने टची क्यों हैं? क्या आप दोनों के बीच बनती नहीं थी? आजकल तो सभी के यहाँ यही होता है, जैसे कि मैं और मेरे अब्बा। इन दिनों तो हमारे बीच बातचीत तक बंद है। पर जब बार मामू तो बहुत नरमिजाज आदमी है। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं समझना चाहते। क्यों? ऐसा है, हमारे अखबार के जो एडिटर है ना, वो और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन अब्बा को ये बात कतई पसंद नहीं। अच्छा। वो शादीशुदा है और अब्बा को ये यकीन हो गया है कि वो अपने बीवी बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं यूं ही कुंवारी बैठी रहूंगी। और उनका खदशा सच है? पता नहीं, मैं भी काफी अहमक हूं। I'm such a fool. अरे ये क्या हो गया? अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूं। कुछ नहीं, तुम रुको। जानती हो, मेरी माँ ने भी मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं क्या चाहती हूँ ये तो कभी सोचा भी नहीं। उनके पास उनकी मौसी ही किसी और था ही क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। छम छम बाजे बरखा पाए, छम छम बाजे बरखा पाए, जम जम बरसे बदरी पागल, छम छम बाजे बरखा पाए, जम जम बरसे।
दिन रानी हार किन किन नाम तोए पुकारो रे धीरे आई बदरिया तारी सकीना प्लीज तुम मत रो देखो ये सब हमारी वजह से हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहुत अफसोस की बात है आप लोग इस काबिल ही नहीं कि हम आप प्लीज प्लीज छोड़ दो इसे जाओ यहां से एक शाम के लिए काफी नुकसान कर चुके हो माफी चाहता हूं हमने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम किया था मगर आपने वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला दरअसल आपके चाहने वाले बहुत उतावले हो रहे थे बात ही नहीं कि सकीना जी अच्छा नहीं गाती ये वाकई बहुत अच्छा गाती हैं मगर बस बस बहुत हो चुका हम आज की तौहीन आसानी से भूलने वाले नहीं इतनी अच्छी शुरुआत की फिर बीच में जाकर तुम बहक गई मैं नर्वस हो गई थी आपा भी मेरी आवाज महफिल में गाने लायक है ही नहीं मैं आप जैसी नहीं हूं अब से मैं गाना नहीं गाऊंगी हरगिज नहीं नहीं बेटा एक छोटे से हादसे की वजह से दिल छोटा नहीं करते आदाब अर्ज़ मुझे क्या अंदर आने की इजाजत है तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई इस बिचारी को तुमने कितना जलील करवाया है सारा कैरियर तबाह कर डाला आपसे ज्यादा मुझे इस बात का दुख है मैं जानता हूं आप समझती होंगी कि मैं गधा और पाजी किस्म का इंसान हूं मगर ऐसा नहीं है आप यकीन मानिए मैं भी एक आर्टिस्ट हूं कवि हूं शेर भी कहता हूं सकीना जी पर क्या गुजर रही होगी अच्छी तरह समझता हूं आप यहां से तशरीफ ले जाइए सकीना को ना तो आप में और ना ही आपकी शायरी में कोई दिलचस्पी है मैं नहीं चाहती कि आप जैसे खाली दिमाग नौजवानों की वजह से सकीना की तवज्जो मौसीकी से हट जाए जाइए सकीना तुम मुझसे खफा हो गई है ना बेटे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारा भला चाहती हूं और मौसीकी की तासीर ऐसे दिल से निकलती है जो पाक साफ हो इसके लिए तुम्हारा जहन भी एक ही नुक्ते पर टिका रहना बहुत जरूरी है आमोद को आइंदा मैं यहां नहीं आने दूंगी फिर क्या अमोद ने भी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की वो तो मुझे यहां से ले जाना चाहता था मगर मैं कैसे जाती मजबूर थी मुझे हर रोज एक खत लिखा करता अम्मा को पता चला तो बिना देखे ही खत फाड़ कर फेंक दिया करती उसके बाद मेरे मर्दों की तरफ आंख उठाना ही बंद कर दिया जान गई कि शायद ये खुशी मेरी जिंदगी में नहीं मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहती थी क्यों नहीं तुम अब तक जिन जिन लोगों से मिली हो सबने सरदारी बेगम की बहुत तारीफें की होंगी लेकिन जिस सरदारी बेगम को मैं जानती थी वो अपनी शोहरत कब की खो चुकी थी अपने आखिरी दिनों में शादी के रिश्ते पक्का कर करके घर चलाया करती मगर उनका गुरूर बरकरार था बहुत इतरा कर कहती मुझ जैसी ठुमरी सिंगर तो अब कोई है ही नहीं और जाहिर है मेरे जीने का भी एक ही मकसद था एक और सरदारी बनना किसी ने पूछा भी नहीं सकीना तुम्हारी क्या ख्वाहिश है वो तुम्हारा भला चाहती थी सभी माँ बाप यही चाहते हैं तहसीब तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो मामू जान ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला है वो जब भी यहां आते तुम्हारी ही बातें किया करते एक बार अम्मी ने तुम्हारी तालीम के लिए कुछ रुपए दिए थे मामू जान वो लौटाना चाहते थे इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ चप्पार वो तो मेरी तरफ से तोहफा था नहीं आपा कर्ज था मुझे अच्छी तरह से याद है कर्ज था ये क्या कर्ज कर्ज की रट लगाए हुए हो भाई बहन में कैसा लेन देन
जो कुछ मेरा है वो क्या तुम्हारा नहीं है? मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ आपा। तो क्या मैं हराम की खाती हूँ? तुम्हारे लिए तो मैं गाना गाकर नहीं बदन बेचकर कमाती हूँ। रख लो अपने पैसे वापस, मुझे नहीं दरकार। आपा खुदा के वास्ते मुझे इस तरह से ताने मत दीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप लीजिए अपने पैसे। रख लो इन्हें वरना चूल्हे में झोंक दूंगी। और तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से, ना तुम्हारी सूरत देखनी है ना तुम्हारे पैसे। ठीक है जा रहा हूँ, ये रहे आपके पैसे। मुझे भी आपकी सूरत इतनी अच्छी नहीं लगती है कि बार बार यहाँ आकर आपके ऑल फॉल सुनता रहूं। हाँ हाँ जाओ, कौन परवाह करता है। तो बेमजे की चाय क्यों बेकार अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है? भाड़ में जाए जब बार सकीना, यहां आओ बेटा, मेरे पास आओ, यहां आओ ना। मेरी बच्ची, मेरा चांद, वादा करो कि तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगी। जब मैं बूढ़ी कुबड़ी हो जाऊं तब भी, और इसी तरह टूटे हुए बर्तन के टुकड़े भी उठाओगी। हाँ हाँ पापी, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी मुन्नी बिटिया, मेरे जीने का मकसद तुम हो। तुम्हारे सिवा मुझ पर कौन आंसू बहाएगा? मेरा फन, मेरी मौसीकी, तुम ही जिंदा रखोगी। हाला कुछ कहती क्यों नहीं? इस तरह तो मत घूरो, कुछ बोलो तो सही। तुम एक खुद गर्ज औरत हो, पहले मुझे अपने बाप से महरूम कर दिया, फिर ढंग की पढ़ाई देने से इनकार कर दिया ताकि मैं कहीं सोचने लग जाऊं। पूरी तरह से बेकार और लाचार करके रख दिया, और मामूजान को भी भगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको मुझसे हमदर्दी थी। तुम मुझे जहर लगती हो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। बेटा क्यों मेरे दिल पर इस तरह वार करती? कौन है मेरा इस भरी दुनिया में तेरे सिवा? नहीं रहना मुझे इस घर में। अब किस चीज की कमी है तुम्हें? सब कुछ तो दिया है मैंने। कभी अम्मा कहने तो नहीं दिया? आपा भी कहकर पुकारना पड़ता है आपको, आपा भी, क्योंकि इससे आपकी उम्र छुपती है। कितना जी चाहता था एक बार अम्मा कहकर पुकारूं। उसके बाद मैंने गाना छोड़ दिया और अम्मा से भी बातचीत करना बंद कर दी। इस अबोले की याद मुझे जिंदगी भर सताएगी। सकीना, क्या हुआ पापी? आई
पापा भी? फरीदा बीबी, डॉक्टर को बुलाना। जी मैं अभी बुलाती हूँ। हेलो बबी, आप अभी हाथ लगाने दे बेटा, तेरे बाल तो छू लो आखिरी बार। आप अभी मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, क्या मैं अच्छी माँ थी? बोलो। हाँ पापा, माँ बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी माँ। कुछ गाओ सकीना, गाना नहीं छोड़ना, यही तुम्हारी विरासत है, इसके सिवा और क्या था मेरे पास? हाँ माँ, चली के नगर चली जब फूफी जान से हाँ कहा तो क्या तुम झूठ नहीं बोल रही थी? नहीं, मैंने सच कहा था। So nice to see you, my dear. And how have you been? How are you? खाना ट्राई नहीं करोगे क्या? Oh, very good, very good. You are here. आदाब, good to see you. सरदारी के बारे में आर्टिकल लिखा है, मालूम है? Yes, very good writer, very good. I know. और खाना जरूर खा के जाना। खा कर जाना बेटे, हाँ हाँ पूरा हाँ। ऐसी बेटा। जी, एक मिनट। देखो तहजीब, मुझे ताउम्र इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने अपनी बहन को क्यों नकारा। अब कम से कम हम दोनों के बीच तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर है, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। आपको शर्मिंदा होने का मौका ही नहीं दूंगी अब्बा। खाना ले लो। तहजीब जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रहा नहीं गया, सीधे एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। सफर कैसा रहा? बहुत बुरा। तुम्हारे बिना क्या अच्छा लगता? वो स्टोरी कर ली पूरी? हाँ कर ली, इंडियन क्रॉनिकल में छप रही है। उन्होंने मुझे बंबई में नौकरी का भी ऑफर दिया है और मैंने हाँ कर दी है। तुम मुझे, मेरा मतलब है तुम दिल्ली छोड़ के जा रही हो? यहाँ कुछ है जो ठहरूं? हमारा क्या होगा? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए मार्क। तहजीब, हम जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते, इसमें बुराई क्या है? What's wrong with it? Everything's wrong with it. अच्छाई भी तो नहीं है?
मुझे रोकने की कोशिश मत करो। सुनो, वहां से प्लेटें लेकर उनको दे दो, जल्दी से जल्दी दे दो। आप मेरे मेहमान हैं। प्लीज तेजी, डोंट गो, थिंक अबाउट इट। आई हैव थॉट अबाउट इट। इतनी जल्दबाजी मत करो। इट्स नो यूज। चली पी के
Okay.